नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर आज कृतज्ञ राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती पर देश की श्रद्धांजलि। गांधी जी की 150वीं जयंती के शुभारंभ पर नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता समारोह का आयोजन। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, रफाल सौदे के बारे में कांग्रेस का प्रचार भारतीय सेना की सामरिक तैयारियों को नुकसान पहुंचाने वाला। भारत के प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा आज सेवानिवृत्त, भारतीय न्यायपालिका को दुनिया की सबसे मजबूत संस्था बताया। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आयात पर अतिरिक्त सीमा शुल्क लगाने की धमकी दी। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई सूचना का अधिकार कानून के दायरे में। समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। महात्मा गांधी की 149वीं जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र आज उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में राजघाट पर राष्ट्रपिता की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा भी आयोजित की गई। अगले वर्ष महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले समारोहों का शुभारंभ भी आज से ही हो रहा है। आज राष्ट्रपति भवन में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन का भी आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश आज 4 दिन से चल रहे सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। एक रिपोर्ट। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 53 देशों के स्वच्छता मंत्री तथा जल स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहे अग्रणी नेता शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी और श्री गुतरश एक लघु डिजिटल प्रदर्शनी भी देखेंगे। महात्मा गांधी पर स्मारक डाक टिकट और उनके प्रिय भजन वैष्णव जन पर सीडी भी जारी की जाएगी। इस अवसर पर स्वच्छ भारत पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर होने वाले समारोह की शुरुआत के तौर पर यह अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन का आयोजन पेयजल तथा स्वच्छता मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र गांधी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मना रहा है। 17 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित करने का निर्णय लिया था। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने एक संदेश में कहा है कि संघर्ष और जटिल चुनौतियों के इस दौर में अहिंसा का गांधी दर्शन एक प्रेरणा साबित होगा। गुजरात इस वर्ष अनूठे ढंग से गांधी जयंती मना रहा है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति ने युवाओं के बीच महात्मा गांधी के कार्य और संदेशों के प्रसार के लिए राज्यव्यापी समारोहों की योजना बनाई है। मुख्य समारोह महात्मा गांधी के जन्मस्थल पोरबंदर के कीर्ति मंदिर में हो रहा है, जहां विशाल मानव श्रृंखला द्वारा गांधी जी की आकृति बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। पोरबंदर के कीर्ति मंदिर और अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में सर्वधर्म प्रार्थना का भी आयोजन किया गया है। महात्मा गांधी के जीवन और कार्य से जुड़े सभी स्थानों पर भी विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री आज शाम अहमदाबाद में खादी संग्रहालय की आधारशिला रखेंगे। योगेश पंड्या, आकाशवाणी अहमदाबाद। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में शास्त्री जी की समाधि विजय घाट पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शास्त्री जी के नेतृत्व में 1965 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जीता था। शास्त्री जी ने सैनिकों और किसानों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए एक ट्वीट में कहा है कि ये हमारे लिए बापू के सपनों को साकार करने का महान अवसर है। प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि श्री शास्त्री सौम्य व्यक्तित्व, कुशल नेतृत्व और साहस के प्रतीक थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को पर्यावरण की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार सतत विकास और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और नेतृत्व के लिए प्रदान किया जा रहा है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि न्यूयॉर्क में पिछले सप्ताह घोषित ये पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान है। श्री तिरुमूर्ति is a rare honor for India because this is the first time India is getting an award in the policy leadership field and Prime Minister Modi will be the first recipient for this in India. This is a recognition of India's leadership that we have shown in the environmental field in the recent years. रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि रफाल सौदे के बारे में कांग्रेस का अभियान भारतीय वायुसेना की सामरिक तैयारियों को नुकसान पहुंचाने वाला है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि फ्रांस से खरीदे जा रहे रफाल विमानों की संख्या में कमी के कांग्रेस के आरोप निराधार हैं। श्रीमती सीतारामन ने बताया, आई कैन ओनली सी दैट नो करप्शन इन डिफेंस। रक्षा क्षेत्र में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। कांग्रेस सरकार के दौरान बिचौलियों का बोलबाला था। कोई भी छोटी या बड़ी रक्षा खरीद बिचौलियों के बिना नहीं हुई। वर्तमान मोदी सरकार ने साबित किया है कि रक्षा मंत्रालय में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई है और बिचौलियों के लिए कोई स्थान नहीं है। हमने ऐसे रक्षा सौदे किए हैं जिनसे थल सेना, वायुसेना और नौसेना की रक्षा तैयारियों में मदद मिलेगी। पाकिस्तान के बारे में सरकार के नेतृत्व का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आतंकवाद और बातचीत दोनों एक साथ नहीं चल सकते। देश के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। कल नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में उन्होंने कहा कि भारत की न्यायपालिका विश्व की सबसे सशक्त न्यायपालिका है जिसमें बड़ी संख्या में मामलों को निपटाने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बीच तालमेल से न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमेशा बनी रहेगी। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज चीन से होने वाले आयात पर 267 अरब डॉलर का अतिरिक्त सीमा शुल्क लगाने की धमकी दी है और कहा है कि चीन के साथ तब तक कोई समझौता नहीं होगा जब तक वह अपने व्यापार की अनुचित पद्धतियों को नहीं बदलता। 18 सितंबर को ट्रंप ने चीन से होने वाले आयात पर 200 अरब डॉलर का अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की थी। इससे एशिया की दो विशाल अर्थव्यवस्थाओं के बीच युद्ध छिड़ गया। केंद्रीय सूचना आयोग सीआईसी ने निर्देश दिया है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई सूचना का अधिकार कानून की परिधि में आता है। सीआईसी ने कहा कि बीसीसीआई की देश के लोगों के प्रति जवाबदेही बनती है। सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्यलु ने बीसीसीआई को यह निर्देश दिया कि आरटीआई कानून के अंतर्गत सूचना के लिए आवेदन प्राप्त करने के लिए 15 दिन के भीतर ऑनलाइन और ऑफलाइन तंत्र तैयार करे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात हिंदी और अंग्रेजी में एक विशेष कार्यक्रम आज के दौर में गांधी का प्रसारण करेगा। इसमें गांधीवादी रामचंद्र राही, संजय सिन्हा और पत्रकार सोपन जोशी भाग लेंगे। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से राजेश झा कार्यक्रम का संचालन करेंगे। इस एफएम गोल्ड चैनल पर रात 9:30 बजे से 10:30 बजे तक सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nrc.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार। धन्यवाद कनक। आज अखबारों ने अलग अलग समाचारों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से किसानों की वार्ता विफल होने की खबर को प्रमुखता दी है। अमर उजाला लिखता है, 2:30 बजे तक नहीं बनी बात, किसान दिल्ली कूच पर अड़े, सरकार रोकने पर अड़े। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, आधार डेटा के बाबत यूआईडीएआई ने टेलीकॉम कंपनियों से पूछा, जो लिया वो हटाओगे कैसे। दैनिक भास्कर लिखता है, टेलीकॉम कंपनियां 15 दिन में बताएं आधार बेस्ड केवाईसी कैसे बंद करेंगे। दैनिक जागरण ने हांगकांग और न्यूयॉर्क में नीरव मोदी की संपत्तियां जब्त होने की खबर मोटे अक्षरों में दी है। पंजाब केसरी लिखता है, नीरव मोदी पर देश विदेश में ईडी ने कसा शिकंजा, 637 करोड़ रूपये की संपत्ति जब्त। राजस्थान पत्रिका और अमर उजाला ने उच्चतम न्यायालय का निर्देश दिया है, प्रदर्शन में संपत्ति को नुकसान हुआ तो क्षतिपूर्ति राजनीतिक दल करेगा, कानून का स्वयंभू ठेकेदार बनने का हक किसी को नहीं।
जनसत्ता की पहली खबर है सरकार नामित निदेशकों के हवाले हुई संकटग्रस्त IL&FC कंपनी। अमर उजाला ने इसे अर्थव्यवस्था बचाने के लिए बड़ा कदम बताया है। अखबारों ने भीमा कोरेगांव मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा गौतम नवलखा की नजरबंदी खत्म होने की खबर भी दी है। आज महात्मा गांधी की जयंती पर उपलब्धि शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है गांधी जयंती वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की तैयारी। 124 देशों के गायकों ने गाया वैष्णव जनतो तेने कहिए। हिंदुस्तान ने गांधी जी के 5 जीवन सूत्र का उल्लेख सबसे ऊपर दिया है। पत्र ने पहले पन्ने पर बॉक्स में लिखा है IIT दिल्ली के पूर्व छात्रों ने वायु प्रदूषण रोकने वाला विशेष फिल्टर तैयार किया है, जहरीली हवा घर में घुसने से बचाएगा जान। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर आज कृतज्ञ राष्ट्र भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। गांधी जी की 150वीं जयंती समारोह के शुभारंभ पर नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि रफाल सौदे के बारे में कांग्रेस का प्रचार भारतीय सेना की सामरिक तैयारियों को नुकसान पहुंचाने वाला है। भारत के प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उन्होंने भारतीय न्यायपालिका को दुनिया की सबसे मजबूत संस्था बताया है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आयात पर अतिरिक्त सीमा शुल्क लगाने की धमकी दी है और भारतीय स्टेट कंट्रोल बोर्ड BCCI को सूचना का अधिकार कानून के दायरे में लाया गया है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।